गुड मॉर्निंग एवरीवन। ट्रांस हिमालयन वंडर्स की एक और नई ट्रैवल सीरीज में मैं आपका भाई साहिल, जानदार शानदार जिंदाबाद। आज हम जा रहे हैं हिंदुस्तान के ताज कहे जाने वाले और मेरे पर्सनल फेवरेट डेस्टिनेशन कश्मीर। अब मोस्टली क्या होता है कि हम लोग राइड्स आ बनती हिमाचल की या उत्तराखंड की, कश्मीर के जो राइड्स होती हैं वो मोस्टली होती है कि हम लद्दाख जा रहे हों अगर तो ऑन द वे पड़ता है, तो वो एक एज अ राइड नहीं गिनी जाती, जस्ट एज ए होता है कि पास बाय होता है। तो इस बार मन था कि एक खाली कश्मीर की राइड की जाए। हम निकले थे अराउंड 4:30 और स्पीड काफ़ी अच्छी है हमारी। हम 2 घंटे में 2.5 आवर्स में हम पहुँच गए लखनपुर। लखनपुर जो कि फेमस है अपने ये लड्डुओं के लिए, दाल के लड्डू। और आज हमारे साथ हैं मेरे बड़े अजीज़ दोस्त अनुराग जी। हम दोनों राइड कर रहे हैं इकट्ठे आज। काफ़ी देर के बाद मौका मिला लंबी राइड करने का। आज सर का मूड था कि लंबी राइड। जो आज की हमारी जर्नी है अराउंड 500 प्लस माइनस किलोमीटर्स की, तो शाम तक कोशिश आई है श्रीनगर या सोनभद्र। हिमाचल जाने का एक फ़ायदा है कि घर से निकलते साथ ही 1-1.5 घंटे में पहाड़ शुरू हो जाते हैं और राइडिंग का तो सही मज़ा ही पहाड़ों में है। कश्मीर जाने का एक पंगा है कि अराउंड में चले को 4 घंटे हुए हैं, अभी तक कहीं पहाड़ नहीं शुरू हुए, अभी तक प्लेन्स में घूम रहे हैं। और श्रीनगर का रास्ता जो है 500 किलोमीटर का है और सिर्फ 100 किलोमीटर के पहाड़ है, बाकी सब प्लेन रास्ता। क्या सोच के आए थे कि पहाड़ मिलेंगे, बर्फ मिलेगी? पर ये था कि अराउंड 300-400 किलोमीटर तक हमें प्लेन रास्ते मिलेगा, उसके बाद उधमपुर पार करेंगे, उसके बाद अच्छा रास्ता फिर शुरू होगा। ठंडी हवा जब मुंह पे पड़ेगी ना भाई, तब राइड का मजा ही अलग। हमें चले को ऑलमोस्ट हो गए हैं 10 घंटे, सुबह 4 बजे के चले हुए हैं और अराउंड 2 बज गए हैं, 10 घंटे चले को हो गए हैं। अभी भी श्रीनगर अराउंड 200 किलोमीटर है, 160-170। कहने को हम कश्मीर में हैं और ठंड का नाम नहीं है, कॉल इट क्लाइमेट चेंज या जो मर्जी, आसपास पहाड़ों पे तो स्नो है, यहाँ पे कुछ है मिट्टी धूल और जाम, ट्रैफिक जाम। चलो मीनवाइल हम आ गए हैं पीढ़ी में और खा रहे हैं राजमा चावल, बड़े शानदार राजमा चावल होते हैं यहाँ के। अराउंड 12 घंटे की जर्नी के बाद कश्मीर, अभी श्रीनगर अभी स्टिल 70-50 किलोमीटर दूर है। अभी ट्रैफिक जैम ही नहीं ख़त्म होते हैं यहाँ पे, यानी कश्मीर का और ट्रैफिक जैम से क्या क्या रिलेशन है, बट चलो फिर भी जो भी है मौसम अच्छा हो गया। बाकी है कि सारे पैसे तो यहाँ पे व्यू के हैं, आसपास देखो स्नो कवर्ड पीक्स हैं, क्या वेदर है, धूप है बट गर्मी।
हाँ जी जी सो एज़ पर प्लान्ड तो कुछ भी नहीं हुआ। सोचा तो था कि आज रहेंगे श्रीनगर, श्रीनगर पहुँचते पहुँचते बस हो गई, इतने जाम, इतने ट्रैफिक जाम, इतने ट्रैफिक जाम। एक चीज़ है, निकलने से पहले यही था कि हमने जाना सोनमर्ग गया, अब एज़ पर इनिशियल प्लान ही है, एज़ पर इनिशियल प्लान है, बट रस्ते में कुछ मूड चेंज हुआ था कि आज एक्चुअली मेरा प्लान है 4 डेज का, तो आपको आगे आके पता लगेगा। जैसे चलो बता दूँ, प्लान हमारा था कि जोजिला पास जाने का, बीच में किसी कोई कहते हैं कि जोजिला पास खुला है, किसी कोई कह रहा है बंद है। तो इनिशियल प्लान हमारा सोनमर्ग जाने का था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के 520 किलोमीटर है कि सुबह 4 बजे 4:30 चल के हम लोग शाम को 6 बजे तक शायद सोनमर्ग पहुँच जाएंगे, बट अराउंड 6 बजे तो हम इटसेल्फ श्रीनगर ही पहुँचे। तो एनी हाउ कोई ऐसी बात नहीं, ठंड बहुत हो गई है, आज दिन में 3-4 तरह के मौसम देखे हमने। सुबह हम चले जलंधर से, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ठंड होगी, फिर भी अंदर लाइनर जैकेट पहन ली। रास्ते में ठंड बहुत ज़्यादा, जब तक सनराइज़ हुआ तब तक तो ठंड पूरी थी, फिर दिन में भयंकर वाली गर्मी, पहाड़ों में आके तो जम्मू कश्मीर में आके जहाँ पे ठंड होनी चाहिए थी, भयंकर वाली गर्मी। सो गुड इवनिंग गाइस, पहुँच चुके हैं सोनमर्ग, सुबह 4:30 बजे के चले हुए, 10:30 बजे रात को सोनमर्ग पहुँचे हैं, करीबन 520-30 किलोमीटर के अराउंड पड़ता था। तो हाँ, स्टॉपेजेस भी काफ़ी हुए और रस्ते में ट्रैफिक जाम बहुत थे, तो पहुँचे यहाँ तो हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, ठंड बहुत, हाथ जम गए बिल्कुल अच्छी तरह से, हिम्मत नहीं थी। होटल्स तो काफ़ी हैं यहाँ पे, बट देखने की हिम्मत नहीं थी। तो मेरे जो फ्रेंड हैं साथ में अनुराग जी, वो यहाँ पे स्टे उन्होंने कहीं पे किया होगा, तो उन्होंने ये दिखाया होटल माउंट व्यू, तो यहीं पे हम स्टे किया हमने। ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं, ये होटल है इनकी, ये 3 बिल्डिंग्स हैं ऐसी। तो एज ऑलवेज गुलमर्ग और सोनमर्ग हाईली ओवरप्राइज्ड, इतनी रूम की वैल्यू होती नहीं असल में जितना वैल्यू ये मांगते हैं, 9,000 फॉर 2 नाइट्स, थोड़ा ओवरप्राइज्ड है हाँ, बट चलो कोई बात नहीं, अब ज़रूरत के वक्त करना पड़ता है, क्या करें। तो लेट मी शो यू द रूम, ये बार स्नो है, अच्छी खासी स्नो पड़ी हुई है बार, अच्छी खासी नहीं, कुछ खास नहीं है, ऑल अराउंड इतनी स्नो नहीं है, ठीक है ये कुछ। सो लेट मी गिव यू अ लिटिल क्विक टूर ऑफ द रूम। हमारा रूम कौन सा था, 209 था कि 208 था, आई गेस 209 ही था, आई गेस यही था, नहीं ये नहीं था, सॉरी किसी के रूम में घुस गए हम। चलो एनीवेज ये था हमारा रूम, नाइस कोजी, नाइस कोजी ओवरप्राइज्ड। चलो ठीक है, बट ऑब्वियसली ये दो हिल स्टेशन ऐसे हैं जो हाईली ओवरप्राइज्ड होते ही हैं हमेशा, पर एनीवेज नो वरीज, एवरीथिंग एवरी गुड थिंग कम्स विद अ प्राइस टैग, नो वरीज। अब कल का सीन कल के साथ दिखाएंगे आपको, इट्स गोइंग टू बी अ गुड डे टुमारो।